वाना में अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन कौन है जिसको वज़ीरिस्तान की अमन आंखों में चुभती है। वज़ीरिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई दिलखराश वाक़ सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम इदारों के ज़िम्मेदार अफसरों ने कभी भी खलूस दिल से अमन की कोशिश नहीं की। जिस इदारे का जो भी सरबरा आता है उसकी नज़रें इलाके में अमन कायम रखने की बजाय अंगुराडा गेट से अपनी तजूरी भरने पर टिकी रहती है। कल गुलाम हुसैन की बोरी बंद मसखशुदा लाश पुलिस को मिली। ये वही गुलाम हुसैन है जिसकी माँ ने हर दर का दरवाज़ा कटखटाया, लेकिन किसी ने भी इस मासूम और बेचारी माँ की फरियाद नहीं सुनी। बिलाखर उसके जिगर गोशा की मसखशुदा लाश उसके घर पहुँचाई गई। उसके घर में एक नवासे के अलावा कोई तसल्ली देने वाला बाकी नहीं रहा। कब तक गुलाम हुसैन जैसे नौजवानों की मसखशुदा लाशें मिलती रहेगी? कब तक वज़ीरिस्तान में यह अनारकी और बेचैनी फैलती रहेगी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान वज़ीरिस्तान की बेचैनी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाल पाएंगे? कभी वज़ीरिस्तान में हकीकी अमन के लिए कोशिशें करेंगे या यूँ ही वज़ीरिस्तानी नौजवान मौजूदा नामनेहाद जंग की ईंधन बनते रहेंगे? ए के वज़ीर, ज़ग़ न्यूज़, वाना।